वेलकम टू speedearning.com speedearning.in। आज हम बात करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेके आप किस तरीके से डेली चर्निंग करते हुए प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस टॉपिक पे हमने पहले भी एक बार बात की थी, आज हम अलग तरीके से इस पे बात करने वाले हैं। और जब बाजार अपने नए नए हाई बनाता है, नए हाई तोड़ता है, उस वक्त सारी इंपॉर्टेंट बातें फिर से रिकॉल करना जरूरी होती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर हम चुन लें और उसी को खरीद के रखें और डेली उसमें ही खरीदी बिक्री करके थोड़ा इंट्राडे प्रॉफिट निकाल लें, क्या ये संभव है? हाँ संभव है, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। और इसके 3 से 4 जो खास खास स्टेप हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो सपोज आपकी कैपेबिलिटी ये है कि आप 2 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए के कोई पर्टिकुलर शेयर उठा के रख सकते हैं, तो शेयर कौन से होने चाहिए? आपने म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग देखी, आप चाहिए टॉप होल्डिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, टॉप 100 होल्डिंग, वहाँ पे आपको HDFC बैंक नज़र आएगा, वहाँ पे आपको इंफोसिस दिख सकता है, वहाँ पे आपको L&T दिख सकता है, रिलायंस दिख सकता है। तो हमने ऐसे टॉप 3 स्टॉक्स वहाँ से चुन लिए अलग अलग सेक्टर के। अब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक को फोकस कर रहे हैं। सपोज हमने ले लिया HDFC बैंक, आज अगर वो 1200 रुपये के रेट पे चल रहा है सपोज, तो हमने ये मान लिया कि 2,40,000 के 200 शेयर हमने लेके रखे हुए हैं। अब ये 2,40,000 के 200 शेयर आपके पास रखे हुए हैं, अब इसमें चर्निंग कैसे होगी? अगर आपने खरीद के रख लिया है डिलीवरी में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि अगले दिन गैप अप खुल जाए HDFC बैंक, बाजार ऊपर खुला, बैंक निफ्टी ऊपर खुली तो HDFC बैंक गैप अप खुल गया, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि वो लगभग बराबरी पे खुल जाए फ्लैट, न प्लस में न माइनस में, न गैप अप न गैप डाउन। तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि वो गैप डाउन खुल जाए और वहाँ से वो लुढ़कना चालू कर दे। तो तीनों केसेस में हमारी चर्निंग कैसे होगी? देखिए, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके पास बहुत अच्छा शेयर होगा, आपने लिया इसको 1200 रुपये में और बाद में 1340 रुपये का हाई दिखा रहा था, आप बड़े खुश हो रहे थे कि हमारी होल्डिंग कितना अच्छा रिटर्न दे रही, लेकिन इसको आगे तक रखने का मन था और फिर बाजार में बड़ी उतार चढ़ाव चलते हैं और बहुत अच्छी तेजी आने के पहले इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि लोग घबरा के वहीं पे अपनी डिलीवरीज छोड़ देते हैं, होल्डिंग की उनकी ताकत चली जाती है, इमोशनली फाइनेंशियली उनकी एनर्जी भी पूरी ड्रेन हो जाती है और वो हाथ जोड़ के छोड़ देते हैं कि भैया हमसे नहीं होगा ये बार बार का चक्कर। तो क्या 1340 का आपने हाई देख लिया और आपको लगा बहुत अच्छा था, फायदा मिल रहा था, बाद में बाजार गिरा और ये वापस 1240-1200 के लेवल पे आ गया, तो आपको बहुत बुरा लगता है। 1200 के लेवल तक भी आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, जिस लेवल पे लिया था उसी पे हम खड़े हैं, अब वो 1160 दिखा दे तो बहुत दिल दुखने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो आपको क्या करना है कि गैप अप खुल जाए कभी, तो हमारे पास जो डिलीवरीज रखी है उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक करने वाले हैं आप, ताकि ये प्रॉफिट आपके लिए सिर्फ नोशनल न रह जाए। तो आपने देखा कि वो बंद हुआ था 1280, आज खुल गया 1310, तो आपने अपने 240 में से 50 शेयर बेचे और ऊपर गया है 1340 दिखाने लगा, आपने वहाँ पे अपने 50 शेयर बेच दिए। पूरे कभी नहीं बेचना है, ध्यान रखिए, ये पूरे कभी भी नहीं बेचना है, क्योंकि आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है और वो वहीं से भागना शुरू कर सकता है, वो पता नहीं क्या क्या ऊंचाइयाँ दिखा देगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये 1340 तक गया, अब नॉर्मली ऐसा होता है कि उछाल आता है, एक दिन उछाल आया, दूसरे दिन उछाल आया, तीसरे दिन गैप खुला और फिर वहाँ से सेलिंग आ जाती है। तो 1340 तक बिका और बंद हो रहा है 1315 पे, तो हमने वहाँ पे अपने जो शेयर बेचे थे 1340 में वो वापस कवर कर लिए, फिर से खरीद लिए। तो ये बन गया आपके लिए इंट्राडे। आपने बेचे क्यों है? क्योंकि आपके पास डिलीवरी रखी है, लेकिन वहाँ बेच दिया, वापस नीचे खरीद लिया, तो ये जो 30 रुपये का चर्निंग निकल आया ये आप लेके बैठ गए। ये पूरी क्वांटिटी में नहीं निकला है, ये आपकी 20-30% क्वांटिटी में निकला है, 20% क्वांटिटी में 2% निकला है, मतलब आपके लिए वो लगभग आधा परसेंट कहा जाएगा। फिर वो वहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि आपने बेचा 1340 और वो 1450 चला गया, तो आपने आधे ही शेयर बेचे हैं, आधे आपके पास रखे हुए हैं। उस केस में क्या होगा कि
उसका आगे बढ़ना भी आपको खुशी देगा क्योंकि आपके पास होल्डिंग तो रखी हुई है। लेकिन अगर हम पूरी क्वांटिटी में होते तो ज़्यादा फायदा होता ना। देखो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना सीखना है। मैंने कई सारे लोग देखे जिन्होंने एंट्री बहुत अच्छे से की किसी स्टॉक में, होल्ड करके भी बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। तो प्रॉफिट बुक करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे आप सेलिंग करें ये पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं बेचना होता है, उससे और ऊपर प्राइस जाती है। आप नहीं बेचते हैं तो लुढ़क के नीचे आ जाती है। तो आपको बेचना तो सीखना होता है। तो आपको वहाँ पे आपने बेचा, बराबरी में खुला, वहाँ से भी आपने समझो 30% क्वांटिटी बेच दी, लुढ़क के वो आधा 1% नीचे गया, आपने वापस कवर कर लिया। कहीं पे ये मान लो कि आपने खरीदा था 1200 में और वो खुल गया 1160, तो आप घबरा जाएंगे, बोले यार मेरा तो ऊपर का है, अभी नीचे आ गया, क्या करूँ। क्योंकि ऊपर बेचना तो समझ में आता है कि फायदे में मैं बेच देता हूँ चलो, लेकिन नुकसान में बेचना तो समझ में नहीं आता किसी को। तो 1200 का 1160 खुल जाए, तो आपको ये नहीं देखना है कि लिया कितने में था, आपको ये देखना है खासतौर से कि कहाँ जाने की संभावना बन रही है। तो बाजार अगर बहुत माइनस है, आपने देखा PSU प्राइवेट बैंक सेक्टर भी माइनस है, बैंकिंग सेक्टर माइनस है, तो आपको 30% शेयर वहाँ पे बेचने हैं और 30% में लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग भी लगा के रखनी है। तो जहाँ आपने बेचा वहाँ से एकदम 10-15 रुपये नीचे आया, तो ये पॉसिबिलिटी बनी कि आपको 0.5% से ज़्यादा गेन मिल रहा है उस पर, आपने उतना बुक कर लिया और फिर से लो पे सेलिंग एक्टिवेट होगी, फिर आपको 1-2% मिल जाए, पॉसिबिलिटी बनती है। कुल मिला के हम क्या चाहते हैं? कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि जो होल्डिंग मेरे पास रखी हुई है उसमें जब भी ऊपर के भाव दिखे तब भी मैं उसमें से मलाई निकालूं, जब भी ये लुढ़कना शुरू करे तब भी मैं उसमें से गुंजाइश निकालूं। कुल मिला के ऐसा हो जाए कि 250 ट्रेडिंग डेज में हर दिन तो मैं मौके का फ़ायदा उठा नहीं सकता और धीरे धीरे मुझे सीखना पड़ेगा। अगर मैं ठीक से सीख गया तो पॉसिबल है कि मैं 0.5% या 0.3% का एवरेज मेंटेन कर पाऊँ। अगर मैं 0.3% का एवरेज मेंटेन कर पाया तो 250 दिनों में पॉसिबिलिटी कितनी है? 70-80% की। अगर 200 दिनों में मैं गिरूँ तो 60% की पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं 0.5% कर पाया तो 100% की पॉसिबिलिटी है। मतलब आपकी जो भी डिलीवरी है उसकी कॉस्टिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि आप इंट्राडे में चर्निंग करके पैसा निकाल रहे हैं। वो 1200 रुपये का शेयर धीरे धीरे 600 रुपये का और 300 रुपये का भी आपके लिए हो सकता है। स्टॉक अच्छा है, अल्टीमेटली उसके ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड की नंबर वन होल्डिंग को चुना है। और अगर ये HDFC बैंक आपसे छूट गया तो उस केस में क्या करेंगे? आपको इन्फी मिल जाएगा कहीं नीचे, नहीं तो रिलायंस मिल जाएगा कहीं नीचे, अलग सेक्टर के जो 3 शेयर आपने देख रखे हैं, L&T देख रखा है। तो अगर आपके हाथ में पैसा है तो दूसरा कोई शेयर आपके हाथ में आ जाएगा, परेशानी नहीं है। बस हमको ये देखना है पैसे की टाइम वैल्यू हमको मिलती रहे। वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में बड़ा कन्फ्यूज़न होने वाला है। तो कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे इस सीरीज़ में। जहाँ हम चर्निंग की बात कर रहे हैं, 4 और वीडियो आने वाले हैं जहाँ हम अलग अलग कंडीशन पर बात करेंगे। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि आपने खरीदा वहाँ से गिरता ही चले जाए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आपने बेचा उसके बाद बढ़ते ही चला जाए। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आपने स्टॉप लॉस लगाया था, स्टॉप लॉस उसने हिट किया और उसके बाद धोखा देके ऊपर भाग गया। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि स्टॉक कॉन्ट्रेरियन चल रहा है, उल्टा चल रहा है, कि हमको लगा बाजार गिर रहा है उसके साथ गिरना चाहिए था, लेकिन बाजार के गिरने में वो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की वजह से, अपनी ताकत की वजह से बाजार की कमजोरी के दिन उल्टा भाग गया और धोखा हो गया। तो इन सब पे हम एक एक करके बात करेंगे। इस सीरीज को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनको बहुत कम समय मिलता है, जिनको ऐसा होता है कि बस कहीं 5 मिनट के लिए सुबह और 5 मिनट के लिए शाम को स्क्रीन देख सकते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ काम कर जाएगी। वो पहले से अपना सेलिंग ऑर्डर, प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ के जा सकते हैं जाल फैला के, और जो भी होगा वो बाद में देख लेंगे। मैं तो कहूँगा कि आप सामने नहीं है तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। हाँ, इसमें एक और बात ये होती है कि आपने देखा कि अगर स्टॉक बहुत कमजोरी में बंद हो रहा है, आपने मतलब ऐसा समझ लो कि 1200 रुपये का 1170 रुपये 1160 में बेचा, अभी वो 1120 पे लो है, 1120 पे ही बंद हो रहा है लो के आसपास ही, तो ऐसा अंदेशा होता है कि यार निफ्टी भी माइनस है, ये भी गैप डाउन खुल सकता है। तो ऐसे केस में हम पूरी क्वांटिटी कवर नहीं करेंगे। मतलब आपने 100 शेयर सुबह बेचे थे तो शाम को पूरे 100 शेयर नहीं खरीद रहे हैं, उस वक्त आप 60-70 शेयर ही खरीद रहे हैं ताकि कल और नीचे मिल जाए वो स्टॉक हमको। और ऐसे में अगर कोई बहुत बुरी खबर आ जाए
उस स्टॉक में, तो फिर हम उससे थोड़े बाहर ही रह जाएंगे। वो किसी हिस्से में बाहर रहना मतलब कंट्रोल अपने हाथ में आ गया। मैं आगे समझाता हूँ इस बात को। तो दोस्तों चर्निंग की इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो एक ही स्टॉक पे समझो काम करते करते आप उसके कितने एक्सपर्ट हो जाने वाले हैं, कितना सिंगल माइंडेड अप्रोच हो जाएगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और आप आराम से काम करते चले जाएंगे। देखिए हमने हर तरीका आपको बताया है बाजार में काम करने का, और आपको सारे तरीकों पे नहीं चलना है। दुनिया में हजार रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपको चुनना है अपनी ताकत, अपनी रुचि, अपने हालात के हिसाब से कोई एक रास्ता, और वो एक रास्ते में अगर कोई बाधा हो तो दूसरे दो रास्ते और हो जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो बाईपास। पर आपको हर तरीके के लिए परेशान नहीं होना है, हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीखने का ये सबसे अच्छा मौका है, अगले 3 साल में स्टॉक मार्केट में जो तेजी आने वाली है, जिस तरह का मौका मिल रहा है, वो आगे 30 साल तक शायद आपको नहीं मिले। एक आदमी को अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मौके देता है स्टॉक मार्केट, उन 2 मौकों में से एक मौका आपको चुकना नहीं है। तो इसके लिए समय और मौके को बर्बाद मत कीजिए, सीखने पर ध्यान दीजिए। अगर आप में ताकत है, हौसला है डिसीजन मेकिंग का, तो थोड़ा कुछ पे करके पेड कोर्सेज पे जा सकते हैं। अगर वो हौसला नहीं है, समय नहीं है, तो फ्री कोर्सेज, फ्री वीडियोस को ठीक से देख लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पैसा कम लगा रहे हैं तो समय ज़्यादा लगाइए, मेहनत ज़्यादा कर लीजिए। अगर आप समय और मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो फिर थोड़ा सा पैसा खर्च करके सीखने के बारे में सोचिए, रास्ता मिल सकता है। रास्ते सारे हमने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, आप हमारे साथ सीखते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इस पूरी रैली में आप कितना फायदा हमारे साथ कमाने वाले हैं।